हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। मानस, तुम क्या कर रहे हो? पिताजी ने मेरे लिए एक नया स्टूल बनाया है, मैं उसे रंगने की सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे इसे रंगने के लिए कितने रंग के डिब्बों की आवश्यकता होगी। इसका हल हमें गणित के द्वारा मिल सकता है। इसका मतलब तुम जानते हो ना मानस? बिल्कुल, इसका मतलब ये गणित का समय है। मानस, ये स्टूल घन आकार का है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक रंग के डिब्बे से तुम कितने वर्ग फुट का क्षेत्रफल रंग सकते हो? दुकानदार ने मुझे कहा था कि एक रंग के डिब्बे से हम 4 वर्ग फुट क्षेत्रफल रंग सकते हैं। इस टूल को रंगने के लिए तुम्हें कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? इसका पता लगाने के लिए पहले हमें इस टूल की सभी सतहों के क्षेत्रफल का योग ढूंढना होगा। लेकिन इस घनाकार के स्टूल की सभी सतहों का योग तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा ना? बिल्कुल ठीक, इसलिए हम इस घनाकार स्टूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ढूंढेंगे। थॉमस, ये स्टूल घनाकार है और हमने गणित की सूत्र पुस्तिका में घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र लिखा है, जहां L घन की भुजाओं की लंबाई है। अब हमें केवल इस सूत्र में स्टूल की भुजा की लंबाई लिखनी होगी और हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। दोस्तों, अगर स्टूल की हर भुजा की लंबाई 2 फुट है, तो क्या आप इस टूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? स्वयं प्रयास करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। स्टूल की हर भुजा की लंबाई 2 फुट है, चलो मैं इसे यहाँ L की जगह पर लिख लूं। अच्छा, स्टूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग फुट के बराबर है। अब रंग के एक डिब्बे से हम 4 वर्ग फुट क्षेत्रफल को रंग सकते हैं, तो स्टूल के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग फुट को रंगने के लिए हमें कितने रंग के डिब्बे लगेंगे, ये ज्ञात करने के लिए हमें स्टूल के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को 4 से भाग करना होगा। देखो थॉमस, स्टूल को रंगने के लिए 6 रंग के डिब्बों की आवश्यकता है। लेकिन थॉमस, मेरे पास तो रंग के केवल 4 डिब्बे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? घबराओ नहीं मानस, चलो हम इस टूल की केवल खड़ी सतहों को रंगे। हो सकता है कि हम इन 4 रंग के डिब्बों का इस्तेमाल करके इन सतहों को रंग सकते हो। लेकिन थॉमस, इस घनाकार स्टूल की खड़ी सतहें तो इसका पार्श्व पृष्ठ प्रदान करती है ना? इसका मतलब इन सतहों के क्षेत्रफलों का योग इस घनाकार स्टूल के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। दोस्तों, क्या आप इस स्टूल का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में मानस की मदद कर सकते हैं? स्वयं प्रयास करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में सीखे घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद है ना? आइए हम स्टूल का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ L की जगह स्टूल की भुजा की लंबाई 2 फुट लिख लें। इस तरह स्टूल का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 16 वर्ग फुट मिलता है। एक डिब्बे से हम 4 वर्ग फुट क्षेत्रफल को रंग सकते हैं, तो स्टूल के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 16 वर्ग फुट को रंगने के लिए हमें 16/4 4 रंग के डिब्बों की आवश्यकता होगी। मानस, देखो,
हम तुम्हारे चार रंग के डिब्बों से स्टूल के पार्श्व पृष्ठीय फलकों को रंग सकते हैं। चलो हम वापस लौटकर झट से तुम्हारे स्टूल को रंग ले, फिर हमें खेलने भी तो जाना है। दोनों दोस्तों ने मिलकर स्टूल को सुंदर रंग से रंग लिया। इस उदाहरण के साथ हमने देखा कि किस तरह घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ मजेदार अवधारणाओं को देखेंगे।